एंड एट अ पॉइंट मैं भूल गई थी कि ये भी बताते होते हैं भाई कोई मसला है, लाइक हर चीज़ अकेले फेस की है. बिफोर माई थीसिस 2 weeks अगो ही जस्ट पास्ड अवे. आई हैव डिज़ाइंड अ कोट जो कि मैं उनका शूट करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी. अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बेस्ट कोई चीज़ कौन सी है कि आप कुछ भी खिची बिची मार दो और कहो कि ये मेरा आर्ट है. ये भाई एक जिन है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं इस जिन को. देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच कैन नॉट बी टॉक अबाउट आउटसाइड NCA1. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं हम्बल अख्तर और आप देख रहे हैं हम्बल स्नेक. वैसे तो हम आज तक NCA लाहौर का बड़ा जिक्र सुनते आए थे, बड़ी तारीफ सुनते आए थे, बड़ी हाइप सुनते आए थे, बट देयर इज अ न्यू राइजिंग स्टार इन रावलपिंडी व्हिच इज NCA रावलपिंडी. इस वक्त मैं वहीं खड़ा हूं और यहां पर बैच 2022 के स्टूडेंट्स का थीसिस का डिस्प्ले है जिसको नाम दिया गया है डिग्री शो 2022. तो आइए देखते हैं यहां पर स्टूडेंट्स ने क्या फनकारी दिखाई है. नाम रिदा सईद है. आई एम बेसिकली अ मिनिएचर मेजर. सो आई एम talking about my internal aggression and my pain. So like I've been through a lot of traumatic events, but as a female I was not allowed to say it out loud because I'm always said beta log bahut baat karte hain, beta amma appa kya kahenge, beta bhai kya kahenge. So I was not allowed to speak it out loud seriously kyunki log kya kahenge dar ki wajah se. Like from the age of 6 or 7, like I'm 22 now, but I was not allowed to speak it out loud. And at a point main bhool gayi thi ki ye bhi batate hote hain bhai koi masla hai, लाइक हर चीज़ अकेले फेस की है. सो एट दिस पॉइंट आई एम टेलिंग पीपल दैट ओके फाइन आई हैव अ डार्क साइड, क्योंकि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद आई थिंक इतनी तकलीफ के बाद एक एग्रेशन मेरे अंदर आ गई थी. सो थ्रू दीज आर्ट पीसेज आई एम टेलिंग लाइक के मुझे तकलीफ है, ठीक है, और उसकी वजह से मैं इतनी अग्रेसिव हो गई हूँ. दिस इज हाउ आई सी वर्ल्ड नाउ. मेरे लिए लोग अब उतने खूबसूरत चेहरे नहीं रह गए हैं. दिस इज बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दिस इज माई वर्ल्ड एंड आई एम लेटिंग इट आउट. प्लीज बात करें, लोग कुछ नहीं कहते, लोग सिर्फ बातें करते हैं. उनको हमेशा नई गॉसिप चाहिए होती है, नई स्टोरी चाहिए होती है. आप तकलीफ में आप बताएं, सिर्फ लोगों के डर की वजह से चुप ना रहें. लोगों को कुछ नहीं जाता, आपका जा रहा होता है. आप बात करो, आप बाहर आओ, आप बोलो मुझे मसला है. मत कुड़ो अंदर, क्योंकि आप इतना कुड़ते हो. इतने साल कुड़ने के बाद मैंने यही सीखा है, मैं ये हूँ, मुझे खुद को खुद मानना पड़ेगा कि मैं ये हूँ. जो हुआ सो हुआ. या जस्ट बी योरसेल्फ एंड जस्ट एक्सेप्ट इट. खुश रहो, खुद को मानो, जो हो जैसे हो दुनिया में आ जाओ. लोगों को हर 2 दिन बाद नई गॉसिप मिल जाएगी और वो भूल जाएंगे. हम याद रखते हैं, नहीं याद रखना. मेरा थीसिस मेरे ग्रैंडफादर पे है. उनसे इंस्पायर होके मैंने काम किया है. उनकी माइग्रेशन स्टोरी और मेमोरीज को मैंने कंबाइन किया. जब वो लोग माइग्रेट होके आए थे फ्रॉम दिल्ली टू पाकिस्तान, उनकी क्या क्या थॉट्स थी, किस तरह उनको तकलीफ हुई, सब चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते थे इन चीज़ों को. प्रोसेस ट्रेन जिसमें सिखों ने हमला किया था, वो उन ट्रेन में आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट किया था. एक चीज़ें स्टक हो जाती है ना जैसे माइंड में इंसान के, तो इसी तरह वो मेमोरीज उनके दिमाग में स्टक हो चुकी हुई थी. फिर मैंने उनकी उन मेमोरीज़ को थ्रू बैग्स और कुछ मैंने फ्रेम के पीसेज निकाले हैं जिसमें पोस्ट स्टैम्प्स हैं, जिसके अंदर मैंने उनकी मेमोरीज को डिस्क्राइब किया है. बिफोर माई थीसिस 2 weeks अगो ही जस्ट पास्ड अवे. आई हैव डिज़ाइंड अ कोट जो कि मैं उनका शूट करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी. ये दिस इज द कोट. ये सारा स्क्रैच से बनाया. दिस इज स्क्रैच. हर किसी के घर में बुजुर्ग होंगे जिनकी ये स्टोरीज, वो लोग उस टाइम पीरियड से गुजर के आए हैं, लेकिन अब की जनरेशन उसके बारे में बात नहीं करती है. हमें उन स्टोरीज के बारे में बात करनी चाहिए इससे पहले कि वो स्टोरीज ख़त्म होती जाए. बेसिकली मैं उन स्टोरीज को सेव करना चाहती थी अपने काम के थ्रू, और मैं लोगों को भी बोलूँगी कि प्लीज़ डू डिस्कस. आई वॉन्ट कि आप लोग प्लीज़ बात करें. और मैं जब सर्च कर रही थी तो मैं देखती हूँ कि इंडिया के लोगों, हिंदूज के बहुत सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, हमारे पाकिस्तान से लोगों के अवेलेबल नहीं है. अब ये बताइए कि ये जो आपने सारे बैग्स वगैरह बनाए हैं, ये आपने सारा खुद बनाया है स्क्रैच से, या आपने बैग बने बनाए लिए इनको बाद में इम्प्रोवाइज? ये स्क्रैच से खुद बनाए हुए हैं. स्क्रैच से हैंडमेड है. ये सारी एफर्ट आपकी हैंडमेड है? जी. डिज़ाइन भी मेरे अपने खुद के हैं. वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी हाईली क्रिएटिव. बड़ा सरप्राइज, बड़ा प्लेजेंट मिला है. मैं एक बहुत ज़बरदस्त इंसान के साथ और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के साथ खड़ा हूँ, जावेद चौधरी साहब. जो स्टॉल है इनकी बेटी का है. बेसिकली NCA की स्टूडेंट है मेरी बेटी, और उसका ड्रेस डिज़ाइनिंग और दूसरा ये है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वगैरह ना. फिर ये जो सारा, ये आप देखिए एम्ब्रॉयडरी है, ये ना सारा नीडल वर्क है. सारे पूरे जो है पोइट्री, सारी जो शायरी है, ये नीडल वर्क है सारा, नीडल के साथ ये सारा. फिर इसके अलावा ये जो सारी तस्वीरें ना आप देख रहे हैं, इसके नीचे ये सारा ये एम्ब्रॉयडरी है, बड़ी बारीक नीडल और बारीक धागे से. ये देखें, ये जो पेंटिंग है, ये सारी वीविंग है उसके अंदर ना, धागों के साथ. ये वाली साथ एक पेंटिंग, ये देखिए, ये सारी वीविंग है. इसका असल इशू ये होता है कि जब आप धागों के साथ इसको वीव कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि कहाँ पर क्या निकलेगा, लेकिन एग्जैक्ट उसके अंदर ये सब कुछ, सब धागों के साथ बना हुआ है, सब वीविंग है. वो देखिए नीचे एक पेंटिंग है, ये सारी वीविंग है जी. ये आपको ऐसे लगता होगा कि जैसे ये
पेंट के साथ हुआ हुआ है, जबकि कलर्स नहीं है, ये सब धागे हैं छोटे, जैसे कुछ सितारे नहीं कहते उसको पुराने, सलमा और सितारे और सारे, हाँ ये सलमा और सितारे से ना सर। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ इस चीज़ को इंजॉय कर रहा हूँ कि मैं बस उसका वालिद हूँ। नॉर्मली जब आप अपने वालिद को बताते हैं ना यार मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा तुम यार लाइनें खींच के ड्राइंगे बना के क्या करोगे? नहीं कदा नहीं, जब इन्होंने कहा कि मैंने NCA में दाखिला लेना तो मैं तो खुद लेके आया इनको दाखिल करवा के, वाकई था जो ऊपर कहते ना इसको करके करोगे क्या आगे, ये पैदा करना किसी ने कुछ भी नहीं होता दुनिया में। ये एक अपना पैशन है, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बेस्ट चीज़ कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम, सबाह जावेद एंड दिस इज़ माई वर्क। बेसिकली मैंने चार पाकिस्तानी म्यूजिक आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ लिए एंड देन आई आस्क्ड देम कि व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट्स दे वांट फॉर देयर कॉन्सर्ट्स। जो चार म्यूजिक आर्टिस्ट हैं वो हैं एक असफर हुसैन बयान के, दिस इज शहजाद रॉय, दिस इज फारिश शफी, नताशा बेग हंजा की फर्स्ट फीमेल म्यूजिक आर्टिस्ट है। दिस वंस फॉर शहजाद रॉय, ही वांटेड समथिंग वेरी मिनिमल, उनको कुछ ज्यादा लाउड नहीं चाहिए, सो आई मेड दिस। इस पे उनकी जर्नी दिखाई हुई है। दिस गारमेंट इज फॉर नताशा, उनको माइकल जैक्सन बहुत पसंद है, सो शी वांटेड समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली मैंने एम्बेलिश किया हुआ है ये वाला पूरा पार्ट इसका। ये असफर का गारमेंट है, इसमें इनको प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉट्स वगैरह बहुत पसंद है। अगर आप इसको बैक से गारमेंट देखें, इट्स अ वोवन फैब्रिक, ये चित्राल की मैंने थ्रेड्स लाई थी और आप सुबह से वीव होके आया ये फैब्रिक। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं इट्स वेरी लाइट वेट, अगर आप इसको टच करें इट्स वेरी लाइट वेट। एंड देन इसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी की है और ये जो एम्ब्रॉयडर्ड है इट्स ग्लो इन द डार्क एम्ब्रॉयडरी, और इसके बैक पे उनके लिरिक्स भी लिखे हुए हैं। एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है आंखों में जो रोशनी है आने वाला कल हसीं है। माय नेम इज़ समीन कमर एंड आई एम अ प्रिंट मेकर। मेरा जो काम है मेनली वो ओवर थिंकिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है, और मैंने एक मेन विजुअल एलिमेंट जो अपने काम में इस्तेमाल किया है वो बुगेनवेलिया का प्लांट है, क्योंकि वो ओवर अबंडेंटली ग्रो कर जाता है तो मैं उसको ओवर ग्रोथ ऑफ थॉट्स के साथ एसोसिएट कर रही हूँ। जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है वो कोलोग्राफ है और मैंने जीन के ऊपर प्रिंटिंग की है। ये मेरी इंस्टॉलेशन है क्योंकि आई बिलीव प्रिंट मेकर के जो आर्टवर्क होता है वो उसकी प्लेट भी होती है, नॉट जस्ट द प्रिंट। आई वॉन्टेड टू यूटिलाइज माई प्लेट्स, तो मैंने ये इंस्टॉलेशन अपनी प्लेट्स के थ्रू बनाई है और मैं ओवर ग्रोथ ऑफ थॉट्स को शोकेस कर रही हूँ। मुझे इस बंदी का काम, इसलिए समीन का काम बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज इसके काम में एक डिटेल, एक मेहनत और एक एफर्ट नज़र आ रही है। हमारे यहाँ मॉडर्न टाइम्स में ना आर्टिस्ट को बना दिया गया कि वो कुछ भी करेगा तो वो आपका एक इंप्रेशन है, बट एक प्रोसेस होता है। आप स्टूडेंट लेवल पे यू कैन नॉट बी दैट बोल्ड कि आप कुछ भी किची पिची मार दो और कहो कि ये मेरा आर्ट है, जस्ट इन्जॉय। मेहनत नज़र आनी चाहिए स्टूडेंट लेवल पर, तो कम अज़ कम होना चाहिए, आई बिलीव सो, शी इज़ वेरी गुड। मेरा नाम सलमान करीम है सर, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। मेरे थीसिस का टॉपिक वर्टिब्रेट मोबाइल है, जो कि एक ऑनलाइन फर्स्ट पर्सन शूटर बैटल रॉयल गेम है। ये बेसिकली एक सिमुलेशन गेम है, ये सारे मेरे गैजेट्स हैं। आप गेम में इन गैजेट्स को पहन के उनको सिमुलेट करेंगे और रियल लाइफ में उनके साथ सिंक करेंगे, तो इट्स मोर ऑफ अ फिजिकल थिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप वर्चुअल में इसको सिमुलेट करेंगे, जैसे डॉक्टर्स के लिए गेम्स होती हैं, सर्जरी के लिए, ड्राइवर्स के लिए, पायलट्स के लिए, एग्जोस्केलेटन सूट्स होंगे। इस सूट को पहन के आप गेम खेल रहे होंगे, ये इनका आइडिया है बेसिकली, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच कैन नॉट बी टॉक अबाउट आउटसाइड NCA इवन। अहमद जवाते हामी, आई बेसिकली होस्ट अ हार्डकोर इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स शो एट PDB वर्ल्ड। द काइंड ऑफ वर्क which has been displayed over here, it is amazing, phenomenal. The students over here have done an amazing work in order to spread awareness regarding very pressing social issues. The atmosphere is wonderful, and the kind of message they should be spreading into the society, I think more avenues should be provided to them. Finally, I would say more and more students should come into this particular field and try to explore various avenues rather than going for the traditional sort of education acquiring. Jo bade बड़े जो हमें सोसाइटी में प्रोफेशंस मिलते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन आई थिंक आर्ट एजुकेशन इसके थ्रू आपको यू कैन एक्वायर अ लॉट, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन डिफरेंट, सो मेनी डिफरेंट वेज। एंड खुदा ना खासा अगर आप एस्पायर करते हैं कि आप एक ख़ास प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, किसी भी वजह से उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो देर आर अदर एवेन्यूज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी ग्रेट नेम्स इन द हिस्ट्री जिनके बारे में देखा जाए तो उन्होंने एक ख़ास पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करने की कोशिश की, उसको परसू
करने की कोशिश की, बट दे कुडंट मेक इट बिग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। रादर उनके लिए नेचर ने कोई और रास्ता रखा हुआ था, तो जब वो थोड़ा सा डिविएट करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो दे मेड ह्यूज नेम्स, दे मेड सम फिनोमिनल वर्क आउट ऑफ व्हाटएवर दे परस्यूड लेटर ऑन। माय नेम इज मनाहिल फातिमा बाबर और मेरा थीसिस का टॉपिक इज देसी बॉल। जिन स्टोरीज को लेके एक मैंने एक ऐसा रियल बनाया वेयर जिन्स आर द वंस दैट आर टेलिंग अ स्टोरीज अबाउट ह्यूमंस। सो दिस होल स्ट्रक्चर ओवर हियर is about these three characters and they're the ones telling the story. Aur us story mein main characters are we humans. So jin stories ko kyun select kiya aap? Isliye select kiya cuz like koi bhi age group le le aap, koi bhi age group le, everyone has a jin story to read. And it's something that's jo raat ko hum shuru karte hain ki maine ek dafa jin dekha ya bachpan mein, like my mother used to tell me ki maine unhe bachpan mein jin dekha. Jaise hum jinnat ki stories sunate hain to ye jinnat jo hai na, they are telling stories about humans. ये भाई एक जिन है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं, इस जिन को अब जिन्होंने भी बिजनेस शुरू कर दिया अपना। मैंने पाकिस्तान की टूरिज्म प्रमोट करने के लिए उस पर काम किया है, एक एप्लीकेशन बनाई है, लोगों को ट्रैवल करने में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इस ऐप के अंदर सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी सारी, फूड कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे वो रुक सकते हैं, मतलब ऑल इन वन पैकेज है। ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है कि वो ट्रैवलिंग एजेंसीज़ को कैसे अप्रोच करें, सिक्योरिटी के बहुत मसले हैं पाकिस्तान में, तो लोगों को होता है कि हम उनको ट्रस्ट किस तरह करें उस चीज़ के लिए, फिर लोग चाहते हैं कि हम खुद से ट्रैवल करें, तो उसके लिए ये ऐप है कि वो अपनी प्लानिंग खुद कर सकते। ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, जितने भी आर्ट के टूल्स होते हैं, चाहे डिजिटल मीडियम हो, चाहे पेपर मीडियम हो, चाहे आपका कोई लार्ज स्केल का मीडियम हो, इनका मकसद बेसिकली आर्टिस्ट का मैसेज बड़ी क्रिएटिवली कन्वे करना होता है। तो अगर कोई भी आर्टिस्ट अपने मैसेज को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सक रहा तो उसके उस आर्ट का, उस खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। My name is Urgal. I basically made a card game to create emotional awareness in school going teenagers. So iske liye I made an interactive thing, card game and a kit that can teach children how to identify, accept and express their emotions. All of these are original illustrations jo ki maine apni friends ki pictures se references leke, different references leke I made it. My name is Wasim Ashraf. I'm especially Lahore se aaya thesis dekhne ke liye. Halanki Lahore mein bhi aaj display ho raha tha, lekin I prefer Islamabad. So I'm enjoying it. Bahut mazey ka kaam hai. Assalamu alaikum. My name is Amina Lotia. My thesis is basically on African symbols cuz I got married into Africa. So I took African symbols out of it and then I translated them into Gujarati language and I made conversational prints of humor. These two are wallpapers. This is my yardage product hanging and these two are apparel products and every conversation has a story behind it. This is actually a flower, an African symbol that means fofo, jealousy or envy. And this is a bottle that has like basically a solution and it's titled Hasad Be Gone, like Hasad is jealousy. Baqaida pata chal raha hai ki mehnat hui hai, piche concept tha, piche thought process hai. Ye nahi hai ki koi aadi teri lakeerein khench di hai, koi paint strokes maar di hai aur baad mein us concept ko kuch bhi naam de ke story bana li gayi hai. Hamare yahan to normally yahi hota hai na ki yaar ye painting kar raha hai, ye sketching kar raha hai, ye line khench raha hai, ye artist hai. Art ke piche ek bada strong concept hona bahut zaruri hai, ek bahut zabardast idea hona bahut zaruri hai. अच्छी एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बहुत अच्छे आइडिया को, एक बहुत अच्छे विजुलाइज आइडिया को अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो वो कभी भी अपना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, वो कभी भी आपकी ऑडियंस को वो मैसेज नहीं कन्वे कर सकता जो आप सोच रहे थे। आज़म जमाल मेरा नाम है, मैं यहाँ पे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी में एज एसोसिएट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स में काम कर रहा हूं। बेसिकली हमारे लास्ट ईयर जो फाइनल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, थीसिस देते हैं, उनका प्रोजेक्ट बेस्ड थीसिस होता है और उस प्रोजेक्ट बेस्ड थीसिस को हम डिस्प्ले भी करते हैं, उसकी ज्यूरी भी करते हैं, एक्सटर्नल एवेल्युएट भी करते हैं। वी आर ऑफरिंग टेक्सटाइल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स के अंदर हम स्कल्पचर, पेंटिंग, मिनिएचर एंड प्रिंट मेकिंग और आर्किटेक्चर, एक हमारा पास एक और डिग्री है जो 5 ईयर प्रोग्राम में है। सो इट्स अबाउट 96 स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं डिफरेंट फ्लोर्स पे, डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर। हर साल तक ये जनवरी फेब के मंथ में बिल्कुल इवेंट होता है कि बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं और स्टूडेंट्स और के साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स, आर्ट क्रिएटर्स, क्रिटिक्स, एनालिसिस करने वाले लोग, उस पर रिव्यू करने वाले, लिखने वाले और बहुत से लोग सोशल मीडिया से और लोगों से आते हैं। और जो एक्सटर्नल हमारे पूरे पाकिस्तान से जो इनके ज्यूरर्स आते हैं, उन ज्यूरर्स उनको ज्यूरीज करते हैं। ज्यूरीज के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो रिनाउंड हैं, जो आते हैं, जैसे सदफ नईम आई थी हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स के अंदर, वसीम अहमद मिनिएचर पेंटर में वो आए थे, स्कल्पचर में मुनव्वर अली हैं कराची से वो आए थे, नरिया हैं वहाँ पे इंडस वैली से वो आई थी। तो देर आर पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड जो कि आके यहाँ पे उन्होंने ज्यूरी करते हैं। एनसीए पिंडी वैसे 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, 16 ईयर्स हो गए एनसीए को यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हुए। टेक्निकली यहाँ पे तकरीबन ये 12वां बैच है जो ग्रेजुएट होकर जा रहा है और हर बैच के अंदर तकरीबन अराउंड 100 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। तकरीबन 1200 लोग अभी तक यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। नया गुलशन नई बादे सबा तख्लीक करते हैं हम अपने दामने दिल के सभी कांटों को चुन चुन कर,
चमन में एक नई तर्ज़ अदा तख्लीक करते हैं।